मंगलपुर नाम के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सविता नाम की एक औरत और उसके बेटे थे। अपने पति के अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सविता पर ही आ गया था। दो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो सविता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? श्रीधर भाऊजी, आप जानते तो है ना, मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है मैंने। अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा, ऐसे में मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानव ज्यादा होशियार है। यूं तो अतुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर मानव पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर अतुल दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और मानव को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर सविता को तसल्ली मिलती है। वो मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अतुल को हरिया हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अतुल को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतता रहा और 3 साल बाद मानव को एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। किस में हो गई है? फूड च, 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 क्या फूड चेन में? माँ, जब कोई आदमी अपने होटल्स अलग अलग शहर में खोल लेता है उसको फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा रे तूने, 5-स्टार रेस्टोरेंट में माँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी, धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीनों में मानव का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वो अतुल और सविता को शहर ले जाता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस को। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे मैंने हरिया हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया है, तुम देखना ऐसे खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चट कर जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना अतुल, बॉस 5-स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पे ध्यान दो, देखना खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन अतुल खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं अतुल, तू रहने दे, बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा, और सुन तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अतुल ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए। खमा खड़ी अतुल, घड़ी कम्मा सर, प्लीज बैठिए। वाह अतुल, थारा घर तो घना फूटरा से, थारा अम्मा और भाई कहां से? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ मानव, उसकी माँ और उसके बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ अतुल खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर अतुल का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फोर्क, दूसरी साइड नाइफ और स्पून, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आई होप यू लाइक द फूड सर, इट्स अमेजिंग, किसने बनाया है वो? जी, मेरे छोटे बेटे ने, अतुल। अरे मानव, अतुल घर पे ही है, अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं उससे। वो सर, वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। अतुल,
अतुल बेटा, इधर तो आ जरा। अतुल हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, खूब चोखा खाना बनाया है थाने तो। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? नहीं सर, ये तो हमारे गांव में एक छोटे हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर अतुल फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले अतुल के बॉस मानव को एक ऑफर देते हैं। खाना खा के मजा आ गया, ना ही सिर्फ खाना मगर टेबल एटिकेट्स का भी पूरा ख्याल रखा था अतुल ने। सुनीता जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, हमें एक नए शेफ की जरूरत है, तो क्या अतुल वहाँ हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, अतुल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है इसमें, तो ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। वो थारी टेंशन नहीं है मानव, मारे को बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। अतुल, तुम कल मानव के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर अतुल तो बहुत खुश हो जाता है, मगर मानव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन अतुल वहाँ पहुँचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद एन इटालियन ट्विस्ट। वाह वाह, खूब, बहुत बढ़िया डिश है, इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है, आहा। क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर क्यों चौंक गया ना? क्या हुआ सर, मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओ या मैं बताऊं? वो अतुल, मैं इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था, ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? हाँ, और ये बात करते हुए सविता बहन ने तुम्हें फोन पे सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले कि वो शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले, मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। यू आर फायर्ड मानव। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा मानव, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी अतुल थारे से कितना प्यार करे है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी अतुल। मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।